बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार और झारखंड के दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। झारखंड की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल होंगे। इसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, कुछ ही देर में वो रांची एयरपोर्ट से रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विरोधी मोर्चे में हेमंत सोरेन की भी मौजूदगी देखने को मिलेगी। पटना में होने वाली बैठक में भी हेमंत सोरेन शामिल हुए थे और अब बेंगलुरु में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन थोड़ी ही देर में रांची एयरपोर्ट से रवाना होने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी विरोधी महागठबंधन की होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हेमंत सोरेन शामिल होंगे। सहयोगी चंदन पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेंगलुरु जाने वाले हैं, इससे जुड़ी क्या अपडेट जानकारी है आपके पास? बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों की एकजुटता की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, कुछ देर में रांची एयरपोर्ट से विशेष विमान से रवाना होंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 4 बजे के आसपास वो बेंगलुरु पहुंचेंगे और विपक्षी एकजुटता की बैठक में वो शामिल होंगे। चलिए चंदन, नजर बना रखें फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए, धन्यवाद। तो विपक्षी एकजुटता को लेकर हो रही बैठक में झारखंड से बीजेपी विरोधी खेमे के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हेमंत सोरेन शामिल होंगे।